नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी की क्यारी या गमले की मिट्टी के ऐसे दिव्य उपयोगों के बारे में बताऊंगी जिससे आपकी धन संबंधी समस्याओं का निदान तो हो ही जाएगा और साथ में आपका बच्चा पढ़ाई में मन भी लगाने लगेगा। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर वन, दोस्तों, अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो तुलसी के तने के पास से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर एक गोली बना लें। उसको किसी चांदी की कटोरी में, अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो स्टील की कटोरी में अपने मंदिर में रखें। रोज़ाना पूजा के बाद उसका टीका अपने मस्तक पर करें। ऐसा आप रोज़ करने लगें, आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा। नंबर दो, थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी लेकर उसको एक तांबे के तवीज़ में भर लें और उसको अपने बच्चे के बैग में छुपा कर रख दें। इससे बच्चे का मन भटकने से बचेगा और पढ़ाई में मन लगने लगेगा। नंबर तीन, थोड़ी सी तुलसी जी के गमले की मिट्टी अपने पूजन स्थान पर रखें। धूप दीप जलाएं, पूजा के बाद जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसको एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रखें। ऐसा करने से धन की फजूल खर्ची बंद हो जाएगी, धन दवाइयों और कोर्ट कचहरी के कामों में नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात लेकर। राधे राधे।